हेलो गाइस, तो अब हम देखने वाले हैं कि एपिकल्चर क्या होता है। जैसे हम कहते हैं बी कीपिंग, तो बी कीपिंग या तो एपिकल्चर, जैसे हम कहते हैं मधुमक्षी का पालन, हिंदी में हम इसे कहते हैं मधुमक्षी का पालन। मतलब मधुमक्खी जो मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी मतलब हनी बी, जिससे हमें मधु मिलती है, जिससे हमें हनी मिलता है, उसका पालन करना, उसको ग्रो करना, उससे हनी प्रोड्यूस करना, इसे हम कहते हैं मधुमक्खी का पालन। बी कीपिंग का हो या तो आपको अलग एपिकल्चर। तो आइए चलिए डिटेल में देखते हैं व्हाट इज मीन बाय एपिकल्चर। एपिकल्चर इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस नाउअडेज बाय विच वी आर गेटिंग सेवरल प्रोडक्ट फ्रॉम द हनी बी। We are getting several products from the honeybee. I would like to introduce you which are the products which we are getting from the honeybee. We are getting product such as first famous product is honey. First product is honey. Second we are getting bee wax. We are getting bee venom. We are getting रॉयल, वी आर गेटिंग रॉयल जेली एंड बी पोलन टैबलेट एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिनेशन। तो ये देखिए कितने सारे ज्यादा प्रोडक्ट हमें बेसिकली बी कीपिंग से मिल रही है। तो बी कीपिंग, सबसे पहले मैं आपको बी कीपिंग एपिकल्चर का टेक्निकली मतलब बता देता हूं। अभी देखो, हम कहीं कहीं पे देखते हैं कि किसी पेड़ के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता इतना बड़ा लगा हुआ है, कहीं कैसे स्कूल कॉलेजेस के कैसे रूम में एक कॉर्नर में लगा होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है, और अगर कोई उसे पत्थर मार दे तो सभी मधुमक्खियां लोगों को ऐसे काटती है, और काटने के बाद एलर्जिक इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती है। तो वो जो होता है वो अलग चीज है। जो कुछ फेमस लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं डायरेक्टली उसे आग लगा के, नीचे से आग लगाते, फिर वो मधुमक्खी जब उड़ जाती है फिर उसका मधुमक्खी का छत्ता मतलब हनी हाइव को निकाल के उसमें से प्योर हनी कलेक्ट करके लोगों को बेचते हैं। दैट इज ऑल्सो देयर बिजनेस। मतलब जो लोग होते हैं ऐसे करते हैं, उनका भी वो बिजनेस है। लेकिन ये जो बिजनेस है वो आर्टिफिशियली मधुमक्खी, मतलब आर्टिफिशियल जो हनी भी होती है, आर्टिफिशियली हनी भी, मतलब हनी भी आर्टिफिशियल नहीं होती है। ये जो टेक्निक है मतलब हनी भी प्रोडक्शन करना, ये टेक्निक आर्टिफिशियल है। अगर मान लो इस जगह पे मधुमक्खी, इस जगह पे हनी कॉम्ब बनता है, नेचुरल बनता है, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर मैं एक वुडन का बॉक्स लेता हूं और उसमें क्वीन बी को छोड़ देता हूं, फिर उसमें वर्कर और ड्रोन भी वहां पे आते हैं और अट्रैक्शन होते हैं, फिर उसके बाद हनी प्रोडक्शन होती है। सो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ हनी बी। आई एम नॉट यूजिंग एनी आर्टिफिशियल बी, आई एम प्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्शन बाय आर्टिफिशियल। मैं कर रहा हूं, मतलब ये जो बी कीपिंग है, एपिकल्चर है, ये टेक्निक जो है वो आर्टिफिशियल है, नेचुरली नहीं है। लेकिन लेकिन इसमें जो बी है वो तो नेचुरल है, वो तो लिविंग है, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट मिल जाए। सबसे पहला प्रोडक्ट दुनिया का, सबसे पहला अगर हम देखें तो सभी के सभी आयुर्वेदिक मेडिसिन में ऑलमोस्ट हनी का यूज किया जाता है। If you are suffering from particular disease and if you are taking particular ayurvedic powder, then doctors are means vaidya are suggesting you to take this with a honey. So honey is not only the sweet substance, but this is the best product ever we have in our ayurveda. Ayurveda में अगर देखें तो पूरी दुनिया में हनी काफी एप्लीकेबल है, और हनी काफी न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट भी है। हनी के अंदर एनर्जी है, प्रोटीन है, लिपिड है, लॉट्स ऑफ विटामिन, मिनरल एंड पोटेशियम, कैल्शियम, इनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। सो हनी इज वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिटिव फूड मटेरियल, सेम लाइक अ मिल्क, बट नॉट इक्वल टू मिल्क, बट इट इज ऑल्सो सेम लाइक अ मिल्क। और अगर हम देखें तो पूरी दुनिया को अगर हम छोड़े तो पूरी इंडिया जो है, इंडिया में आयुर्वेदिक का काफी ज्यादा चलन है, और इसके लिए हनी इज मोस्ट यू कैन से अप्रिशिएटेबल एंड रिकमेंडेड प्रोडक्ट बाय द नंबर ऑफ पीपल्स। उसके बाद बी वैक्स मिलता है, हमें बी विनम मिलता है, उसके बाद रॉयल जेली मिलती है, बी पोलन टैबलेट, ये फॉरेन कंट्री में बी पोलन टैबलेट काफी चलती है। मतलब हनी भी पोलिनेशन जब करते हैं तो उसमें से प्रोडक्ट में से पोलन टैबलेट बनाते हैं, वो एनर्जिक होती है, एनर्जेटिक्स होती है। उसके बाद पोलिनेशन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, अगर कहीं एक जगह पे हनी बी का कॉम्ब है तो वहां से जो बीज है वो उड़ के एक एक जगह पे जाने के बाद पोलिनेशन करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डिपेंड रहना पड़ता है उस जगह पे। लेकिन अगर हमारे पास मान लो 100 प्लांट्स है, मान लो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और वो फार्मास्यूटिकल की कंपनी मेडिसिन फ्लावर में से बनाते हैं,
तो फ्लावर में से तभी बनेंगे, या तो फ्रूट में से बनाते तो फ्रूट तभी बनेंगे जब फ्लावर में क्या होगा, पोलिनेशन होगा। तो 100 प्लांट के अंदर पोलिनेशन करने के लिए एक हनी कॉम्ब के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल मेथड से बी कीपिंग करना पड़ेगा। कैसे, एक वुडन बॉक्स होते हैं और वुडन बॉक्स के अंदर एक क्वीन बी को हम छोड़ देते हैं, फिर ऑटोमेटिकली वर्कर और ड्रोन भी वहां पे आते हैं और उसके बाद क्या होता है, हनी कॉम्ब तैयार हो जाता है, हनी प्रोडक्शन होता है, और वही जो बी होते हैं वो पोलिनेशन करने में भी काम में आ जाते हैं और वही बी हनी प्रोडक्शन में भी काम में आ जाते हैं। सो एक देर से दो शिकार हो जाते हैं, मतलब एक काम करने जाओ तो दो काम हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। सो हनी बी और यू कैन से एपिकल्चर इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस नाउअडेज। अब कितने प्रकार के बी होते हैं हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द हनी बी फैमिली। सो आई वुड लाइक टू टेल यू मेंबर्स ऑफ हनी बी। सो बेसिकली हनी बी हैव थ्री टाइप ऑफ अ मेंबर। फर्स्ट वन इज क्वीन, सेकंड वन इज worker. Now queen and worker both are female. And then third one is drone. And drone is male. Queen and worker are female and drone are male. Is it clear? हाँ, अब एक चीज समझ लीजिए, queen will be always single in complete honeycomb. जितना भी बड़ा मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, yes, उस पूरे छत्ते में, उस पूरे कोम्ब के अंदर, मतलब उस पूरे हनी हाइव के अंदर एक ही क्वीन रहेगी, और क्वीन के ऊपर ग्रीन कलर का जो पोर्शन होता है वो डिफरेंशिएट करता है कि एक क्वीन है, ठीक है। और वर्कर और ड्रोन भी, वर्कर स्टराइल भी होते हैं और ड्रोन पार्थेनोकार्पिक टेक्निक से ये रिप्रोडक्शन करते हैं। वो जब सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक आता है तब हम ये चीजें डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको ये बता दिया मेंबर्स कितने हैं। अब हम ये देखते हैं कि हनी मतलब बी के टाइप कितने हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट वन इज एपिस डोर्साटा। यस, एपिस डोर्साटा, ऐसे चार है एपिस डोर्साटा। दिस इज कॉल्ड एज अ रॉक बी। एपिस डोर्साटा इज ऑल्सो नोन एज अ रॉक बी और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड वाइल्ड बी। दिख रहा है आपको कलर, एपिस डोर्साटा। तो टोटल अगर 20 के हम टाइप देखें तो 20 के टाइप है ना चार प्रकार होते हैं। देन एपिस फ्लोरिया इज ऑल्सो नोन एज अ लिटिल बी। देन थर्ड वन इज एपिस मेलीफेरा। शॉर्ट में लिखाना चाहिए बिकॉज ये स्पीसीज है ना, एपिस इज अ जीनस, डोर्साटा इज अ स्पीसीज, एपिस इज जीनस, फ्लोरिया इज अ स्पीसीज, एपिस इज अ जीनस, मेलीफेरा इज द स्पीसीज। मेलीफेरा इज ऑल्सो नोन एज अ यूरोपियन बीज। एंड अगर हम फोर्थ देखें तो एपिस डोर्साटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलीफेरा एंड एपिस इंडिका। इसे हम जनरल इंडिका क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज अ इंडियन बीज। सो दिस इज व्हाट फोर टाइप ऑफ बीज। फिर से एक बार ये चीजें समझ लीजिए, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो इसमें और इसमें तो देखो कंफ्यूजन नहीं है। क्वीन एपिस डोर्साटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलीफेरा, एपिस इंडिका हो सकती है। क्वीन वर्कर्स भी डोर्साटा, फ्लोरिया, मेलीफेरा, इंडिका हो सकते हैं। ड्रोन भी डोर्साटा, फ्लोरिया, मेलीफेरा, इंडिका हो सकते हैं। ये क्या है, ये है स्पीसीज और जीनस, और ये क्या है, ये है टाइप। सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ अ बी, क्वीन बी, वर्कर बी, बोथ आर फीमेल, ड्रोन बी मेल। एंड देयर आर वैरायटी ऑफ अ बीज आर देयर इन द वर्ल्ड लाइक अ एपिस डोर्साटा, ऑल्सो नोन एज अ रॉक बी और वाइल्ड बी,
Apis floria, also known as the little bee. Apis mellifera, also known as the European bee. Then Apis indica, also known as the Indian bee. तो ये कुछ bees के type हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हम जब apiculture करते हैं, apiculture करते हैं, honey bee का production करते हैं, तब हमें कौन-कौन सी चीजों की जरूरत होती है? तो मैं आपको एक list बताता हूँ। There are some important requirements which are you can call tools which are useful for the apiculture. Tools used in apiculture. So कौन-कौन से tools generally use होते हैं apiculture में? Apiculture में सबसे पहले use होता है beehive. अब मैं आपको अगर यहाँ पे explain करूँ तो आप नहीं समझ पाओगे। मधुमक्खी में जो छत्ता होता है, ठीक है? वैसे ही आर्टिफिशियली बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं बी हाइव। और फिर दूसरा आता है बॉक्स, या तो आप ऐसे कह सकते हो बी बॉक्स। व्हाट इज बी बॉक्स? हनी बी प्रोडक्शन करने के लिए आर्टिफिशियली बॉक्स बनाए जाते हैं लकड़े के, उसे हम कहते हैं बी बॉक्स। उसके बाद आता है कॉम्ब, उसके बाद आता है फाउंडेशन, फाउंडेशन शीट, और फिर स्मोकर, बी वेल। बी वेल काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है। देखिए, अगर हमें जैसे जो लोग रास्ते पे हनी बी को कलेक्ट करते हैं, हनी कलेक्ट करते हैं, तो पहले आग लगा के हनी बी को भगा देते हैं, बीज को भगा देते हैं, फिर वो हनी कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने आर्टिफिशियल मतलब अगर प्रोडक्शन करना है तो जैसे ही आप बॉक्स ओपन करोगे तो डायरेक्टली हनी बीज उड़ेंगे नहीं, आपको उनको उड़ाने के लिए वहां से स्मोकर करना पड़ेगा। स्मोकर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, पंचिंग में आपको बता दूं आखिरी में, इस टॉपिक के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा एक दो मिनट का, और उस वीडियो में मैं आपको इन सभी इंस्ट्रूमेंट का फोटो भी दिखाऊंगा, उनका एप्लीकेशन भी बताऊंगा। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे प्रेस किया जाता है, और प्रेस करने के बाद वहां से एयर निकलती है, और वो एयर उन बीज को भगाती है, और अगर बीज भागेगी तो वो काट सकती है, लेकिन काटेंगी नहीं, क्योंकि एक प्रकार के कपड़े होते हैं, और वो कपड़े ना वो लोग पहनते हैं जो बी को कलेक्ट करते हैं, बी को कलेक्ट करते हैं, हनी बी को, हनी को सेपरेट करते हैं, बी को सेपरेट करते हैं, वो कपड़े होते हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर वाले कपड़े पहनते हैं, कहीं पे आग लगती है फिर वो फायर एक्सटिंग्विशर वाले आते हैं, और उनको वो आग का इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उनके कपड़े ऐसे रेजिस्टेंट होते हैं फायर से। ऐसे ही हनी भी कहीं पे भी काट नहीं सकते, ऐसे कपड़े होते हैं जैसे कहते हैं बी वेल, और जैसे पंप से एयर दी जाती है उसे कहते हैं स्मोकर। फाउंडेशन शीट में आपको सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और एक आखिरी एक चीज आती है बी एक्सक्लूडर। अच्छा, बी एक्सक्लूडर क्या होता है? बी हम ऐसे कह सकते हैं क्वीन बी एक्सक्लूडर। क्वीन बी एक्सक्लूडर एक ऐसा ऐसी एक प्लेट होती है जो क्या काम करती है, अगर कोई क्वीन अपना एक एग प्रोड्यूस करे तो एग डायरेक्टली हनी कॉम्ब के अंदर नहीं जाना चाहिए, तो इसके लिए वो प्लेट होती है, उस प्लेट को हम कहते हैं क्वीन बी एक्सक्लूडर। मैं आपको फोटो बताऊंगा उसके बारे में, उसका एप्लीकेशन भी बताऊंगा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड बी कीपिंग, ऑल्सो नोन एज एपिकल्चर। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये है बीज के मेंबर्स, क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर। अब मैं आपको बीज एपिकल्चर में जो बी कीपिंग में जो टूल्स यूज होते हैं जो मैंने आपको अभी पढ़ाया उनके बारे में कुछ बताता हूँ यहाँ पे फोटोज के साथ। ये देखिए, इसे हम कहते हैं बी हाइव, मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसे हम कहते हैं बी हाइव। सो दिस इज बी हाइव, ये नेचुरली जो जहाँ पे ग्रो होता है, दिस इज ऑल्सो बी हाइव। अब ये है बी बॉक्स, वुडन का बॉक्स होते हैं, और ये देखिए, ये वुडन का बॉक्स होते हैं ऐसे, ये यहाँ के अंदर जो शीट होती है फाउंडेशन शीट अंदर डाली जाती है। यहाँ से मैंने आपको इसका इंटरनल व्यू नहीं बताया, लेकिन इंटरनल व्यू मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये है वुडन बॉक्स, बी बॉक्स। नाउ दिस इज कॉल्ड बी कॉम्ब, जो हेक्सागोनल प्लेट्स की जो ये प्लेटिंग होती है इनको हम कहते हैं बी बॉक्स, सॉरी बी कॉम्ब। सो इन बी कॉम के अंदर ये जेल जैसा जो आपको दिख रहा है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड हनी, ये मध है, मधु है, ये है हनी, दिस इज सेम बी कॉम्ब। यहाँ पे देखो आप क्लियरली दिख रहा है, जब ये पूरा भर जाता है ना तो इसके ऊपर एक कोटिंग बन जाती है येलो कलर की, दिस इज बी कॉम्ब। नाउ दिस इज फाउंडेशन शीट,
मधुमक्षिका में जो प्लेट यूज किए जाते हैं उन प्लेट को हम कहते हैं फाउंडेशन शीट। यहाँ पे देखिए ये भी फाउंडेशन शीट है, दिस इज ऑल्सो फाउंडेशन शीट, दिस वन इज ऑल्सो फाउंडेशन शीट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इस फोटो में, इस एक वुडन बॉक्स में 3 से 4 लेयर हो सकते हैं और हर लेयर के अंदर तीन तीन चार चार ऐसे फाउंडेशन शीट डाली जाती है, दिस इज फाउंडेशन शीट। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो है इसे हम कहते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं स्मोकर, ये है फाउंडेशन शीट, ये है बी बॉक्स, और इन कपड़ों को हम कहते हैं बी वेल। मतलब ये ऐसे कपड़े होते हैं जो मधुमक्खी का मतलब मधी मधुमक्खी जो होती है, बीज होती हैं मधुमक्खी जिसे हम कहते हैं बी, वो बी इन कपड़ों के अंदर नहीं जा सकते ना ही इन कपड़ों को काट सकती है, तो इसके लिए कपड़े पहने जाते हैं बी वेल। अब ये भी बी वेल है, ये बी वेल है, इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं स्मोकर। ये देखो यहाँ से धुआं मारा जाता है और यहाँ से मधुमक्खी सब उड़ जाती हैं, जैसे बीज उड़ जाती हैं फिर वो फाउंडेशन शीट कलेक्ट करना काफी इजी हो जाता है। ये भी बी वेल है और इनके हाथ में फाउंडेशन शीट है, यहाँ पे देखिए काफी सारी फाउंडेशन शीट लगी हुई है। ये है स्मोकर, यहाँ से उसको प्रेस किया जाता है, ऐसे प्रेस कर करके यहाँ से उसकी एयर निकलती है, सो दिस इज स्मोकर, यू कैन सी दिस, दिस इज स्मोकर। हेलो गाइस, हम जब भी पढ़ते हैं, जब भी फिशरीज का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक ही चीज आती है। क्या चीज आती है? कलेक्शन ऑफ फिशेस एंड मार्केटिंग मीन सेलिंग ऑफ फिशेस। बट इट इज नॉट ओनली द फिशरी। यस, फिशरी सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं है, फिशरी बड़ी चीज है, बड़ा बिजनेस है। सो फिशरी इज ऑल्सो नोन एज एक्वा कल्चर। तो एक्वा कल्चर का मतलब क्या होता है, फिशरी का मतलब क्या होता है? फिशरी इज ऑल्सो नोन एज एक्वा कल्चर विच मीन्स दैट कैचिंग, प्रोसेसिंग, फार्मिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेस, सेलिंग ऑफ फिश कोमा क्रैब कोमा लॉबस्टर, लॉबस्टर हम कॉमन कॉमन ही करते जाते क्योंकि काफी चार चीजें होती है, सिर्फ फिश ही नहीं होती, फिश क्रैब लॉबस्टर एंड यू कैन से प्रॉन एंड अदर सी फूड, दिस इज कॉल्ड फिशरी, ऑल्सो नोन एज एक्वाकल्चर। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, फिशरी इज नथिंग बट कैचिंग प्रोसेसिंग फार्मिंग, व्हाट फार्मिंग, फिश फार्मिंग, फार्मिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश क्रैब लॉबस्टर प्रॉन, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो अदर सी फूड प्रोडक्ट। तो जितने समुद्र के अंदर या तो नदी के अंदर या तो इस्टुरियन एरिया में, जितने फ्रेश वाटर में हो या तो नदी के अंदर हो या समुद्र के हो, जहां से भी जो भी सी फूड मिलता है उन सभी को टोटली कहा जाता है फिशरी। लेकिन सबसे पहले ये फिश फार्मिंग ही था, सबसे पहले फिश कलेक्शन, फिश मार्केटिंग, फिश सेलिंग, फिश प्रोसेसिंग, फिशेस तक ही था। लेकिन आजकल दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, अजीब 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 चीजें भी खा लेते हैं, कोई कोई बेसिकली फ्रॉग को भी खा लेते हैं। अभी फ्रॉग फ्रॉग खाने जैसी चीज है, हम इंडियन तो ना खाएं लेकिन फॉरेन कंट्री में, इटालियन कंट्री में, चाइनीज कंट्री में खाते हैं, वो लोग तो सांप भी खा जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो चीजें खाते हैं तो उनको फिशरी में इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन जो भी सी फूड के अंदर अवेलेबल है, सी एनिमल के अंदर अवेलेबल है, अगर वो खाने लायक है या तो खाते हैं लोग, तो वो सब फिशरी के अंदर इंक्लूड होता है। क्लियर एवरीवन? आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ मेनी टाइप ऑफ फिशरीज आर देयर। सो फिशरीज आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री मेन टाइप, फिशरीज आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन टाइप, सच एज यू कैन से इनलैंड फिशरी, सेकेंड वन इज अ एस्चुरियन फिशरी एंड थर्ड वन इज मराइन फिशरी। तीन प्रकार की फिशरी होती है। अगर आप रिवर में से या तो स्ट्रीम में से या तो कहीं पे बीच में से या तो कहीं से पोंड में से फिशेस को कलेक्ट करते हो तो आप कौन सी फिशरी कर रहे हो? आप इनलैंड फिशरी कर रहे हो। इफ यू आर कलेक्टिंग द फिशेस फ्रॉम द रिवर, फ्रॉम द पॉन्ड, फ्रॉम द लैक, फ्रॉम द बीच और स्ट्रीम,
then you are doing which kind of fishery? You are doing inland fishery. Are you getting guys? You are doing inland fishery. In case if you are collecting the fishes from the directly sea, then you are doing marine fishery. And in case if you are collecting the fishes from the common area, which is mixing to river and sea, that area is called estuarine area, and collection of fishes or any seafood from that area is called as a estuarine fishery. मतलब तीन प्रकार के फिशरी है. अगर आप फ्रेश वाटर में से फिशेस को कलेक्ट करते हो तो आप उसे कहोगे इनलैंड फिशरी, और अगर आप समुद्र में से सॉल्टी एरिया में से फिशेस कलेक्ट करते हो तो आप उसे कहोगे मरीन फिशरी, और अगर आप रिवर और सी दोनों जहां पे मिलते हैं, दोनों का जहां पे संगम होता है, फ्यूजन होता है, अगर वहां से फिशेस को कलेक्ट करते हो तो आप उसे कहोगे एस्टुरियन फिशरी. तो ये तीन प्रकार की फिशरी होती है, क्लियर. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सी फूड में ये सभी आते हैं, फिशेस आते हैं, फिर उसके बाद क्रैब आते हैं, प्रॉन आते हैं, लॉबस्टर आते हैं, ऑक्टोपस आते हैं, ऐसे काफी सारे फूड है जो फॉरेन कंट्री में खाए जाते हैं. हमारे इंडिया में इतने सब नहीं, लेकिन इंडिया में ये सब फूड खाए जाते हैं, फिशेस, क्रैब, यू कैन से फिशेस, क्रैब, लॉबस्टर, प्रॉन, ये सभी के सभी फूड खाए जाते हैं. अब मैं आपको ये भी बता दूं, देर आर द पीपल दोज हु आर डूइंग बिजनेस नॉट लाइक दिस, दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट बिजनेस विच इज स्लाइटली रिलेटेड टू दिस. आई टेल यू, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर के अंदर छोटा सा या तो बड़ा वाला एक पॉन्ड बना लेते हैं स्विमिंग पूल के जैसा, और उसके अंदर फिशेस डाल देते हैं, और वहां से फिशेस को फ्रेशली कलेक्ट करके मार्केट में सेल करते हैं. तो वो भी एक टेक्निक है जिसे हम एक्वाकल्चर या तो फिशरी हम कह सकते हैं. तो उसमें दो प्रकार के ऐसे टेक्निक होती है, वो दो टेक्निक कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट वन इज कॉल्ड मोनोकल्चर फिशरी, एंड सेकंड वन इज अ पॉली कल्चर फिशरी. अब ये मोनोकल्चर और पॉलीकल्चर फिशरी का मतलब क्या होता है? अब देखो फिशेस में काफी नाम है, मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं, जैसे लेकर फ्रेश वाटर फिशेस. फ्रेश वाटर फिशेस में कौन कौन से आते हैं? जस्ट लाइक फर्स्ट वन लेबियो रोहिता, इट इज जनरल कॉल्ड एज अ रोहू फिश. अब ये अगर आपको समझ गया तो ये समझ में आएगा, मोनोकल्चर पॉलीकल्चर से मोनो पॉली किसे मतलब ये नहीं लगाइए, मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब मल्टीपल, सिर्फ इतना ही मतलब नहीं होता है, उसका मतलब कुछ और निकल के आता है जब आप सभी फिशेस के नाम सुनोगे. जस्ट लाइक कैटला, कैटला इट इज जनरली कॉल्ड एज अ कैटला, कॉमन नेम उसे कैटला कहते हैं, ठीक है. फिर और भी नाम है जैसे सिरना मृगला, दिस इज कॉल्ड मृगला. इतने सब फिशेस के नाम भी याद रखना मुश्किल में हो जाता है, इसके लिए मैंने कुछ सॉर्टिंग करके रखा हुआ है सामने. हरपेन डॉन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉम्बे डक. देन रास्ट्रेलिचर, हरपेंडॉन, उसके बाद आता है रास्ट्रेलिचर जिसे हम कहते हैं मैकरल, ठीक है. सिक्स नंबर पे आ जाती है सर्डिनेला को कॉमनली हम कहते हैं सर्डाइन. और उसके बाद आता है फेमस, मुंबई का फेमस जैसे हम कहते हैं स्ट्रोमेटस पाम्परेट. पाम्परेट जैसे पाम्परेट फिश भी कहते हैं, ये मुंबई में ज्यादातर पाई जाती है इंडिया में. अब ये देखिए ये सब फिशेस हैं, लेबियो रोहिता ये सब फ्रेश वाटर फिश है, मतलब रिवर में जनरल पाए जाने वाले. लेबियो रोहिता इज अ साइंटिफिक नेम, कॉमनली वी कॉल्ड इट इज अ रोहू फिश. कैटला इज अ साइंटिफिक नेम, कॉमनली वी कॉल्ड कैटला फिश. देन सिरेना मृगला वी कॉल्ड मृगला फिश. एंड हरपेंडो कॉमनली वी कॉल्ड बॉम्बे डक. रोस्ट्रेलिचर वी कॉल्ड मैकरल. एंड सर्डेनेला वी कॉल्ड सर्डन. And stromatus, we commonly call it as a pomfret fish. तो ये सब अलग अलग फिशेस हैं. अब ये देखिए मोनोकल्चर और पॉलीकल्चर के अंदर डिफरेंस क्या है.
अगर आपके पास एक स्विमिंग पूल जितना बड़ा पॉन्ड है जिसके अंदर आपने 2000 फिशेस रखी है, लेकिन स्पीशीज एक ही है लेबियोरोइडा, 2000 फिशेस है क्वांटिटी में लेकिन स्पीशीज एक ही है, मतलब एक ही प्रकार की है सब लेबियोरोइडा, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मोनोकल्चर। मतलब इनमें से कोई भी हो जिसकी क्वांटिटी 2-3-5 हजार फिशेज है लेकिन स्पीसीज एक ही है, तो उसे हम कहेंगे मोनोकल्चर। लेकिन अगर इन 7 में से 2-3-5 अगर मिक्स टाइप है तो उसे हम कहेंगे पॉलीकल्चर। कंपेयर टू द मोनोकल्चर, पॉलीकल्चर मींस मैनेजमेंट ऑफ पॉलीकल्चर बिकम्स वेरी हेक्टिक टास्क और इट बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक। व्हाई आई टेल यू, सी सम फिशेस आर एनिमी ऑफ ईच अदर, सम फिशेस आर एनिमी ऑफ ईच अदर, बट मोस्ट प्रोबेबली सेम स्पीसीज आर नॉट एनिमी। लाइक सपोज इन यूर फार्म, इन यूर यू कैन से इन यूर स्विमिंग पूल लाइक एरिया विच यू हैव मेड फॉर द फिशरी, आपने एक स्विमिंग पूल के जैसे एरिया बनाए जैसे फिशरी ग्रो कर सकते। मान लो आपके पास 5000 क्वांटिटी है लेबियोरोइडा की, तो लेबियोरोइडा सभी लेबियोरोइडा ही और आपस में वो झगड़ेंगे नहीं। झगड़ेंगे क्यों, मतलब फाइट क्यों करेंगे? सिर्फ फूड के लिए फाइट करेंगे, लेकिन आपस में एक दूसरे को काटेंगे नहीं, खाएंगे नहीं। लेकिन अगर एक लेबियोरोइडा है, फिर हर्पेडोन है, सर्डेनेला है, अलग अलग स्पीसीज है, तो इनका नेचर अगर हमें प्रॉपर पता नहीं तो वायलेंस नेचर की अगर कोई होगी तो दूसरी स्पीसीज के ऊपर प्रॉपरली वो अटैक कर सकती है। इसके लिए मैनेजमेंट बिकम्स वेरी इजी इन मोनोकल्चर कंपेयर टू द पॉलीकल्चर। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू, सपोज देयर इज अ वन बोट पर्सन, मींस एक नाव वाले लोग हैं, वो सी के अंदर नियर अबाउट 500 टू 1000 किलोमीटर दूर चले गए हैं और फिश कलेक्शन करने के लिए, फिशरी करने के लिए। तो उन्होंने फिशेस तो कलेक्ट कर लिए, अब अगर वो सिटी तक आने के लिए अगर 3-4 दिन लगाते हैं, तब तक तो फिशेस तो मतलब 5 मिनट में ही मर जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिशेस डिकम्पोज होना शुरू करेंगे, और डिकम्पोज होंगे तो फिशेस जब वो मार्केट में सेल करेंगे उसके बाद सेलिंग का कॉस्ट नहीं आएगा, मे बी सेल होंगे ही नहीं वो, बिकॉज वो डिकम्पोज हो गए। तो हमें क्या करना है, हमें प्रिजर्वेशन करना है, फिश प्रिजर्वेशन करना है। तो प्रिजर्वेशन की कौन कौन सी टेक्निक है वो हम देखते हैं। सो फिश प्रिजर्वेशन, सो विच आर द टेक्निक फॉर द फिश प्रिजर्वेशन, आई वुड लाइक टू टेल यू 5 मेन टेक्निक। फर्स्ट वन इज सन ड्राइंग इज वेरी इजी, वेरी चीप एंड वेरी कन्वीनियंट। Then second one is smoking. Third one is salting. Fourth one is chilling. And fifth one is freezing. I would like to add one more, that is also called canning. So what are these 6 techniques for fish preservation? फिश प्रिजर्वेशन मतलब फिश को कलेक्शन करने के बाद मार्केट में सेल करने तक जो टेक्निक होगी उनको हम कहेंगे फिश प्रिजर्वेशन। तो देखिए, फर्स्ट वन इज सन ड्राइंग। नाउ सनलाइट इंटेंसिटी इज मोर इन द समर सीजन, इफ वी आर कलेक्टिंग फिशेस इन समर सीजन सो सन ड्राइंग विल बी द बेस्ट वन। ये जो बोट होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं, तो फिशेस को जैसे पानी में से निकालते हैं 5 मिनट में फिश तो मर जाएगी, बिकॉज मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, वी नो दैट। यस, तो जैसे फिशेस को बाहर निकलते हैं तो फिशेस मरने के बाद अगर उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो सन ड्राइंग होगी। सन ड्राइंग के कारण क्या होगा, फिश के अंदर का जितना मॉइस्चर है, पानी है, वो सब निकल जाएगा। पानी निकल जाएगा तो बैक्टीरिया और वायरसेस का, फंगस का अटैक भी नहीं होगा और फिश प्रिजर्व हो जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय विच वी कैन प्रोटेक्ट, वी कैन प्रिजर्व द फिश बाय सन ड्राइंग, विच इज द इजी, चीप एंड वेरी कन्वीनियंट। देन स्मोकिंग, अभी स्मोकिंग का मतलब क्या होता है, स्मोकिंग ऐसी टेक्निक होती है जिसमें एक टेबल जैसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है और नीचे इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, मतलब एक नेट के जैसा होता है। अब यहाँ पे फायर यूज की जाती है और फायर से यहाँ पे स्मोक निकलता है और फिशेस को यहाँ पे रखा जाता है। सो व्हेन स्मोक कम्स टू द बॉडी ऑफ अ फिश, फिश बिकम्स अ ड्राई। दिस इज द मेथड विच इज जनरली यूज इन द, यू कैन से व्हेन देयर इज अ इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इज वेरी लेस, यू कैन से ऑटम सीजन, रेनी सीजन, डायरेक्टली उनके ऊपर सॉल्ट डाल दिया जाता है, दैट इज अ सॉल्टिंग। देन चिलिंग,
डायरेक्टली कीपिंग अ फिशेस एंड जस्ट अबाउट द फिशेस सम आइस क्यूब्स और यू कैन से पूरे पूरे आइस से भर देते हैं, आइस के छोटे छोटे टुकड़ों से उनको फिशेस को कवर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ चिलिंग. फ्रीजिंग इज समथिंग डिफरेंट देन द आइस दैट फ्रीजिंग इज समथिंग डिफरेंट देन द चिलिंग. फ्रीजिंग में क्या जाता है दैट फिशेस को डायरेक्टली कोल्ड वाटर में डाल दिया जाता है, इतना ठंडा पानी फ्रिज के जैसा, मतलब वो बर्फ जमने वाला हो इतना ठंडा पानी में अगर फिशेस को डाल दिया जाए तो उसे हम कहेंगे फ्रीजिंग. उसके बाद आता है कैनिंग. कैनिंग काफी कम लोग करते हैं. कैनिंग करने के लिए आपके पास जो फिश कलेक्शन के लिए जो नाव रखी है आपने, जो बोट है, उस बोट में लेबोरेटरी होनी चाहिए. सबसे पहले फिशेस का सैंपल लो, उनको चेक करो कोई डिसीज तो नहीं, उसके बाद फिशेस को वहीं पे काटो, उसके बाद वहीं पे उनको प्रोसेस करो और स्टील के कैन में या तो जो कोई टीन का कैन हो उसके अंदर एयर टाइट कंटेनर में उसको फिल करके ऐसे ही रख दो. अब अगर आप सिटी में 10 दिन के बाद भी पहुंचते हो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज दैट कैन इज टोटली स्टराइल. सो दीज आर सम मेथड फॉर फिश प्रिजर्वेशन. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिशेस जनरल फाउंड इन फ्रेश वाटर. This is the definition of fishes. This is type of fishery and this is type of a culture, monoculture, polyculture. Thank you.